देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तू सिर्फ इतना बता दे कि प्रीता ऋषभ और लूथरस के खिलाफ क्यों जा रहा है, क्या दुश्मनी है, एक बार बता दे। सिक्योरिटी, तुझे दूर भेजने का इंतजाम कर लिया है। बहुत जल्द तू जेल के सलाखों के पीछे होगा और ऑटोमेटिकली प्रीता की लाइफ से दूर। पृथ्वी, सालों से जब भी तुम लूथरस पे किसी पे भी अटैक करने जाते थे, मैं तुम्हें कहती थी ध्यान रखो कि कोई गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा मत करना कि जिसकी वजह से हम फंस जाएं। लेकिन आज मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मत रुको, क्योंकि आज हम नहीं हारेंगे, आज तुम नहीं हारोगे। ऑल द बेस्ट। आज मैं जीतूंगा, आज मैं 100% जीतूंगा। और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है जो तुमने मुझ पे दिखाया पहली बार। आज से पहले तुम हर बार मुझे रोकती थी, टोकती थी, डांटती थी, फटकारती थी, लेकिन आज पहली बार तुमने मुझ पे कॉन्फिडेंस दिखाया है। एंड आई प्रॉमिस यू, मेरा वादा है तुमसे, यू आर गोइंग टू बी प्राउड। ये जो तुमने कॉन्फिडेंस दिखाया ना मुझ पे, ये कॉन्फिडेंस उस अर्जुन सूर्यवंशी पर भारी पड़ने वाला है। इतना भारी कि वो तहस तहस हो जाएगा। तो आज मेरी जीत पक्की है और मुझे आज कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ऑल द बेस्ट। अर्जुन, मैंने सारा फुटेज जो है वो अच्छी तरीके से चेक कर लिया है और तुम्हारे फोन में ट्रांसफर कर दिया है। जो हमें प्रोजेक्टर पे चलाना है तुम चेक कर लो। I got it. ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? ऋषभ लूथरा को लगता है कि मैं उसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन करने के लिए आया हूँ। बड़ा भाई भाई बोलता है मुझे। इसे लगता है कि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, अपना छोटा भाई कंसिडर करता है मुझे। भाई का मतलब ही पता है इसे, भाई बनने के लायक नहीं है। आज की रात में उसे जो बर्बाद करूंगा। ऐसा ही होगा अर्जुन, आज की रात ऋषभ की खुशियों की आखिरी रात होगी। बस एक बार पेन ड्राइव की फुटेज प्रोजेक्टर पे चल जाएगा, उसके बाद ऋषभ लूथरा की जिंदगी बर्बाद। इस कदर बर्बाद करूंगा ना उसे, तबाह हो जाएगी उसकी जिंदगी। देखना, इस पार्टी के बाद कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा वो। अर्जुन, अगर तुम बुरा ना मानो तो जो हमने सोचा है पार्टी के बाद करने का, क्या हम उसे स्किप कर दें? क्या नहीं, मेरा मतलब है हम जो पार्टी के बाद करने वाले हैं उसके बाद ऋषभ की लाइफ तो तबाह हो ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उसका असर पूरे लूथरा परिवार पर होगा। मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ। तुम पागल हो गई अंजलि, ये क्या कह रही हो तुम? तुम ही थी ना वो जो हर वक्त मुझे सपोर्ट करती आई है, हाँ, कि मैं पीछे नहीं हटूं, और तुम ही ये कह रही हो अभी मुझे? अंजलि, हम लोग अपनी मंजिल के सामने हैं, मैं अभी मंजिल से भी पलट नहीं सकता। बहुत मनाया मैंने अपने आप को अंजलि, ये कदम उठाने से पहले, प्लीज मेरे कदम को डगमगाने मत दो। मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं ऋषभ लूथरा की जिंदगी को बर्बाद करूंगा, मतलब करूंगा। There's no looking back now. Okay. Relax. ये बात मुझे जल्दी से पृथ्वी को बतानी पड़ेगी। यहां तो कोई अलग ही कहानी चल रही है। पृथ्वी, पृथ्वी, तुम क्या हो गया? पैनिक क्यों कर रही हो? किसी ने तुम्हें देख लिया, तुम पकड़ी गई? अरे किसी ने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने किसी को देखा है, उस अर्जुन को। अर्जुन जैसा दिखता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें लगता था सीधा साधा है, लेकिन वो तो बहुत तेज है। तुम्हें पता है वो लूथरस के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं कर रहा, वो तो लूथरस को बर्बाद करना चाहता है। कौन सी नई बात है इसमें? ये हम पहले से जानते हैं,
तुम्हें पता है उसके बारे में, सब कुछ पता है, बस एक चीज पता नहीं लगा पा रहा मैं, कि जो लूथरास है हमारे दुश्मन और उनका दुश्मन वो अर्जुन, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त क्यों नहीं बन पा रहा। अरे मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अर्जुन पार्टी में वीडियो प्ले करने वाला है, जो प्ले होगा उसके बाद ऋषभ की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। What? हाँ, उसके पास कोई पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव में ऋषभ की बर्बादी कैद है, वो वीडियो प्ले करेगा पार्टी में, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। क्या क्या होगा? अरे मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके बाद लूथरास बर्बाद हो जाएंगे। और मुझे बस इतना पता है कि चाहे जो हो जाए मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे जानना है, देखना है कि उस पेन ड्राइव में ऐसा है क्या। लग गए ना तुम्हें, छोटे बच्चे हो गया तुम, हाँ दिखाओ। अरे प्रीता की तरह तुम क्या हमेशा गिरते पड़ते रहते हो, लग गए ना तुम्हें? गिरता पड़ता रहता हूँ मैं, अचानक से फोन पर बात कर रहा था तो वो लग गया यार, मैं जानबूझकर नहीं किया मैंने। मैंने देखा तुम्हें इतना जोर से तुम्हें हिट किया उसे। यार मैंने जानबूझकर मैं क्यों करूंगा, जानबूझकर करण क्या मैंने, यार मैं करण को जब गुस्सा आता था ना, वो किसी बात से अपसेट होता था तो वो दीवार पे पंच करता था, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उसको इतना दर्द होता होगा। अब मुझे चोट लगी तो मुझे एहसास हुआ कि वो जब पंच करता था उसको कितना दर्द हुआ होगा। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि करण दीवार पे पंच क्यों मारता था? अगली बार जब तुम किसी को देखोगे ना दीवार पे पंच मारते हुए, तब ये मत समझना कि उसे दर्द नहीं होता। दर्द होता है बेशक, पर उसके हाथ में नहीं, उसके दिल में। दिल में, उसके दिल में बहुत दर्द होता होगा। क्यों पता है? क्योंकि उसके दिल का दर्द इतना ज्यादा है कि उसके हाथ का दर्द उसे महसूस ही नहीं होता। मैं तुमसे एक बात पूछूं, करण मेरा भाई था, तुम उसको इतने अच्छे से कैसे जानते हो? क्योंकि मैं ही करण हूं। आई मीन मैं करण जैसा हूं, बहुत हद तक उसके जैसा हूं, लेकिन तुम कैसे भाई थे? भाई थे जो उसे कभी समझ नहीं सके। What do you mean by that? क्या बोल रहे हो तुम? जब करण पेन में था, जब वो दीवारों को पंच मारा करता था, तब तुम उसके साथ क्यों नहीं थे? तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है तुम थे वहां पर? Who are you to ask me this question? तुमने देखा? Do you know who was Karan to me? मेरा बच्चा था वो, मेरा भाई नहीं था वो। तुम क्यों इतना बदल गए ऋषभ? क्यों अपने भाई को प्यार करना छोड़ दिया तुमने? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? तुम कैसी जी कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? मैं उसको प्यार करना बंद कर दूंगा? तुम कैसे ये बात बोल रहे हो? बिना जाने ये सब बातें मत बोलो यार। तुम फिर जान क्यों नहीं? अर्जुन, अर्जुन आई मीन फिर उसे जान क्यों ना सके? क्यों नहीं जान सके अपने भाई को? एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हो। आई डोंट नो अर्जुन, तुम यहां पर मेरे घर में हो, मेरे परिवार के बीच में हो, हम सबके दिलों के बीच में हो, हमारे बिजनेस के बीच में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारी बहुत सारी बातें नजरअंदाज कर देता हूं, पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। एक गुजारिश, मेरे भाई के लिए कुछ मत बोलना, मेरा भाई मेरी जान है और हमेशा रहेगा। प्लीज, तुम्हारा मेरा रिश्ता अच्छा है, इसको ऐसे ही बने रहने दो, इट विल बी बेटर।
अजीम कुटुंब के हर रिश्ते में मिठास है। ये 30 सालों का प्यारा इतिहास है। देखिए 9 अक्टूबर शाम 7 बजे। क्या बात है राखी माँ? प्रीता उधर मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, पहचानती हूँ। शुरुआत से लेके आज तक तुम्हें मैंने बहू नहीं बेटी माना है, और ये बात मेरा मतलब है तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अर्जुन को इतना नापसंद क्यों करती हो। इसके पीछे मैं जानती हूँ कोई वजह तो जरूर होगी जो सिर्फ तुम जानती हो। लेकिन तुम ये भी जानती होगी कि मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, बेटे जैसा प्यार। मैंने तो अर्जुन को अपना बेटा मान लिया है। वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारी ये अर्जुन के लिए नफरत मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं समझ सकती हूँ राखी माँ के आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपके फीलिंग्स भी अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन कुछ नहीं प्रीता, लेकिन के लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। मुझे बस इतना लगता है कि तुम अर्जुन को लेके ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और मेरी बात मानो, जितना सोचोगी ना उतने गलत विचार आएंगे उसके बारे में। मैं माँ हूँ, जिंदगी का अनुभव तुमसे ज्यादा मुझे है। सही गलत अच्छा बुरा इन सब में फर्क करना आता है मुझे। आज तक मैंने कभी किसी इंसान को समझने में गलती नहीं की। इस बार भी मेरा दिल कहता है कि अर्जुन एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक लड़का है। तुम्हारी ये नफरत अर्जुन के लिए मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए ये सब गलतफहमी जो तेरे दिल में है ना, उसे भूल जा। राखी माँ, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप बहुत मासूम हो। और मैं क्या हुआ आपको? कुछ भी तो नहीं? झूठ मत बोलिए। आपका चेहरा पढ़ सकता हूं मैं कि आपको किसी बात से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो मुझसे तो झूठ बोलिए मत आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा। ओ, अब समझा मैं। प्रीता मेरे बारे में डेफिनेटली कुछ कह रही होगी, आपको अच्छा नहीं लगा होगा वो। पर सॉरी सॉरी, प्रीता और मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। हमारे बीच में प्रॉब्लम तो डेफिनेटली कुछ है। प्रीता अगर अगली बार मेरे बारे में कुछ गलत कहना होगा ना, तो सीधा मुझसे आके कहना, इनसे कहने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, और तुम भी मेरे परिवार की टेंशन लेना बंद कर दो। आई मीन जो भी काम कर रहे थे कैरी ऑन, इट्स एन इम्पोर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस। मैं मेरी माँ के साथ हूँ ना, और हमेशा रहूंगी। गुड टू नो। राखी माँ, आप कोई टेंशन मत लीजिए, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे या आपको बुरा लगे। आई प्रॉमिस। पृथ्वी, मुझे लगता है ये वही पेनड्राइव है जिसके बारे में अर्जुन बात कर रहा था। इसी में ऋषभ के खिलाफ सबूत है। अरे तो पिज्जा बर्गर का वेट कर रही हो क्या? जल्दी से इस पेनड्राइव को चलाओ, देखो इसमें है क्या। हाँ देखती हूँ, जल्दी चेक करो। चेक कर रही हूँ। कोई आ रहा है? अरे मैंने केसर मंगवा लिया है। अब हाँ मैं आ रही हूँ, एक मिनट। हाँ अरे पेनड्राइव का, मैंने तो पेन ड्राइव लगाई थी।
अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकती है? हे भगवान जी, प्लीज ऐसा मत करना। ओ गॉड, अगर इस सृष्टि ने नीचे गिरे हुए पेन ड्राइव को देख लिया तो ये पेन ड्राइव उठाकर ले जाएगी। ये पेन ड्राइव कहाँ, किस तरह से, कौन ले सकता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास बैकअप प्लान है। थैंक यू भगवान जी, आई एम सो ग्रेट। किसी और लैपटॉप में जाके चेक करेंगे इसको। अरे अभी ये बड़बोली आई थी, हो सकता है कोई और आ जाए, हम पकड़े जाएंगे। लेकिन कहाँ? कहाँ? मुझे पता है, ऋषभ के स्टडी रूम में, वहाँ पे लैपटॉप जरूर। हाँ चलो चलो। कोलैबोरेशन फुटेज की दूसरी पेन ड्राइव है मेरे पास। आई नो, मैंने खुद रखी थी। इसमें इसमें होगी। तो कितने इंटेलिजेंट है, आई मीन हर चीज का बैकअप रखती है। आई मीन ऑफ कोर्स, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बैकअप प्लान तो जरूरी है ना। आई एम जीनियस। क्या हुई ना बात? अर्जुन मेरा काम देखेगा तो एकदम शॉक्ड हो जाएगा कि इतना अच्छा काम सृष्टि कर सकती है। सृष्टि, यू आर द ग्रेट। थैंक यू भगवान जी। अर्जुन मेरी बात सुनो, अर्जुन हाथ मत लगाना, आइंदा हाथ मत लगाना। ये किस तरह बात कर रहे हो यार? कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, क्या हुआ? हुआ क्या है बताओ मुझे, क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं तो इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो यार? तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से ना ऋषभ भैया बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं उन्हें इस तरह बिल्कुल भी नहीं देख सकता, क्योंकि मैं ऋषभ भैया से बहुत प्यार करता हूँ। ओह रियली? या ऋषभ से इतना प्यार? हाँ, करण से कभी इतना प्यार किया? देखो करण भाई के बारे में ना तुम कुछ मत बोलना। रियली? अच्छा, उनके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा अर्जुन। नहीं सुनोगे तुम? नहीं। जब करण की जान गए तब तो कहाँ था? कहाँ था तू? तू तो पार्टी कर रहा था। हाँ, हो सकता है तूने करण की जान ले ली, पर तूने कभी उसकी फिक्र भी नहीं की। सामी? सामी, ये तो रो क्यों रहा है? सॉरी यार, तू तो बुरा मान गया। तुम सही बोल रहे हो अर्जुन, मैं नहीं था उस दिन करण भाई के पास। अगर मैं करण भाई के पास होता ना, उनकी जान बचा लेता, उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। बहुत प्यार करता हूँ करण भाई से, तुम जानते नहीं अर्जुन, मैं और करण भाई बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज थे, सगे भाई से ज्यादा प्यार। How are you? Good sir. Good to see you. Come. You'll have drink? Yes. I'll serve myself. अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मुझे तो आना ही था सर। मुझे आपको वो बताना है जो आप नहीं जानते हैं। क्या? मार्केट में क्या क्या बातें कर रहे हैं आपकी कोलैबोरेशन के बारे में। क्या? कि अर्जुन सर के साथ आपकी कोलैबोरेशन सही नहीं है। आजकल तुम सोशल मीडिया पे बहुत रहते हो साहिल। हाँ, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हम। लेकिन सर, किसी को बिना देखे जाने आप किसी के बारे में कुछ कैसे कह सकते हैं? क्या लोगों ने मुझे देखा, मुझे जाना? अर्जुन को तो बिल्कुल नहीं देखा, तो फिर हम दोनों को साथ में कैसे देख सकते हैं? हम दोनों के साथ में देख के एक दूसरे के बारे में जजमेंट कैसे बना सकते हैं? लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे उसके ऊपर भरोसा है, और आई थिंक उतना काफ़ी है। लेकिन सर, लोगों की बातों में कुछ तो दम है। आपको पता है कि अर्जुन आपके बारे में क्या सोचता है, लोगों को क्या बताता है? वो एक कहावत है ना, अपने दुश्मन को अपने सबसे ज्यादा करीब रखो। बिजनेस में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता, बिजनेस दिमाग से होता है।
कोई बात नहीं, जो कहता है कहने दो. It was just a sense of humor. I won't have anything. But sir, मैं तो सिर्फ आपको लोगों की बातें बता सकता हूँ, लेकिन आपकी सोच नहीं बदल सकता. बदलने की जरूरत भी नहीं है साहिल, तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत. अर्जुन हमारा बिजनेस ड्राइवर लगता है, पर है नहीं. So, relax. मुझे भी अर्जुन को लेकर सही फीलिंग नहीं आती, पता नहीं क्यों ऋषभ जी को उस पर इतना विश्वास नहीं.